किचन डायरी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा यानी साहिबा संदूगा सत श्री अकाल आदाब नमस्ते। दर्शकों, आज इंडियन डायरी में हम एक ऐसी सेलिब्रिटी को लेके आए हैं जिनकी म्यूजिक एल्बम सावन में लग गई आग पूरे वर्ल्ड में धूम मचा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पिंकी पारस की। तो सबसे पहले करते हैं उनका स्वागत। पिंकी पारस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डायरी में। इंडियन डायरी के सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो हमारा सबसे पहला सवाल है आपके बचपन को लेके, तो बचपन से शुरुआत करेंगे, किस तरीके का आपका बचपन गुजरा और आपकी बर्थ प्लेस कहाँ की है? मेरा जन्म जो है हल्द्वानी बरेली का है, लेकिन मेरा बचपन जो है पटना साहब में गुजरा और वहाँ पे हमने बहुत मस्तियाँ की। वहाँ की बहुत सारी यादें हैं मेरे पास। हम सभी रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तेदार पटना साहब में इकट्ठे रहते थे और बचपन में मिलके बहुत सारी शरारतें करते थे और सब बच्चे मिलके हम लोग रामलीला प्ले करते थे। और वो याद अभी तक मेरे दिमाग में ताजा है कि आई विश कि वैसा समय फिर से आए और मैं फिर से सीता का रोल अदा करूँ। तो ये आपका फेवरेट मोमेंट है आपके बचपन का जो आपको भुलाए नहीं भूलता है। आप मेरे को ये बताइए कि सिंगिंग का शौक आपको कहाँ से आया? क्या बचपन से आपको शौक था? जी हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे सभी लोग सिंगर्स हैं। मेरे पापा, मेरा भाई, काफ़ी सारे रिश्तेदार सब सिंगिंग में ही हैं, तो घर से ही ये शुरुआत हुई है। मेरे पापा भूपिंदर सिंह पारस बहुत बहुत बढ़िया कीर्तन करते हैं और बहुत मजे हुए सिंगर हैं। और मेरा ब्रदर, उसने भी 3-4 एल्बम की है और वो भी जसविंदर पारस बहुत अच्छा गाता है। और फिर दलेर मेहंदी, मीका सिंह, शमशेर मेहंदी, जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। तो आपके आइडल कौन है? मेरा आइडल तो मीका सिंह ही है। अच्छा, तो इसलिए आपने उनका गाना भी चूज किया, सावन में लग गई आग। आप गा के सुना सकती हैं? बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों के लिए 2 लाइनें गाना चाहूंगी। सावन में लग गई आग दिल मेरा हाय, पूछो ना क्या हुआ आज दिल मेरा हाय। आहिस्ता आहिस्ता पास वो आया, दिल का दरवाजा हौले से खटखटाया। मैंने जो कुंडा खोला, हंस के वो पागल बोला, उसकी बाहों में हाय तन मन ये झूम के डोला। फिर ना मैं सोई सारी रात दिल मेरा हाय, सावन में है लग गई आग दिल मेरा हाय। क्या बात है, मजा ही आ गया गाना सुन के। तो मिका की याद ताजा हो गई। ये मिका से भी हिट सॉन्ग हुआ है आपका, रिमिक्स जो आपने बनाया, खुश तो आप बहुत होंगी। तो इन सब का क्रेडिट आप किसको देती हैं? डेफिनेटली मिका सिंह को। तो आपने शुरुआत करी मिका सिंह के गाने से, मिका सिंह का सावन में लग गई आग। उनके और भी बहुत सारे पॉपुलर गाने हैं, ये ही गाना क्यों? ये गाना जो है मिका सिंह का पहला सुपरहिट गाना था और उनका पहला गाना था और मेरा भी पहला सॉन्ग मैं उसके सुपरहिट सॉन्ग से करना चाह रही थी, क्योंकि एक तो मेरा वो आइडल है और दूसरा ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। तो ये मेरी विश थी और आप सब दर्शकों की वजह से ये गाना फिर से सुपरहिट हो गया और ऐसी मुझे उम्मीद थी और ऐसा ही हुआ। पिंकी जी, नेशनल इंटरनेशनल आपने हर जगह पे अपने शोज किए हैं, तो अभी तक का आपका फेवरेट शो कहाँ पे रहा है, जहाँ पे आपके फैन भी आपको बहुत अच्छे लगे, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया? कल दिल्ली में मेरा शो था और मुझे लगता था कि लोग मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मुझे बेहद खुशी हुई जैसे ही मैं गाड़ी से निकली, एकदम लोगों की भीड़ खास करके लड़कियों की मेरी तरफ आई और मैं खुश हो गई उस बात को देख के कि लोग पहले से ही मुझे जानते थे यूट्यूब से, फेसबुक से। पिंकी जी, आप इतनी ग्लैमरस हैं, आप इतने प्रिटी हैं, आपके फैन भी बहुत सारे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी और का आपके ऊपर क्रश ना हुआ? वो तो बहुत लोग होंगे, पर आपका किसके ऊपर क्रश हुआ? मेरा क्रश हुआ म्यूजिक पर। पिंकी जी इतनी हार्ड वर्किंग है कि उनका क्रश भी हुआ तो अपने संगीत पे, यही लगन है जो उनको सबसे अलग बनाती है। तो आइए अब उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में उनसे पूछते हैं। जी बिल्कुल, ये जुनून जो है मुझे यहाँ तक ले आएगा, मुझे नहीं पता था। अभी मैं हिंदुस्तान में 6 गाने करने के लिए आई हूँ, जिनमें से एक मूवी का है, उसमें एक सॉन्ग है मेरा, और फिर तेजवंत किट्टू पंजाब से है, उनका एक सॉन्ग है, 3 जो
दूसरे सॉन्ग्स हैं वो विक्रम एंड विक्रम जिन्होंने सावन किया उनके हैं, और एक सॉन्ग है मनप्रीत एंड गोरा मेरे लिए कर रहे हैं जिसमें रितु मेरे साथ गाएंगी, और हम दोनों मिलके नए किस्म की जागो देंगे अपने दर्शकों को जो हर शादी ब्याह में बजेगी। तो नए किस्म की जागो लेके आएंगी, तो ये किस तरीके की होगी, मतलब किस तरीके, सूट्स नहीं होंगे इसके अंदर, कुछ वेस्टर्न लाइन में आप थोड़ा वेस्टर्न में टाइप में करेंगी, या मटका नहीं होगा, मतलब क्या इसमें अलग क्या है इसका? ये जागो एकदम डिफरेंट किस्म की है, डिफरेंट म्यूजिक है, डिफरेंट अंदाज है इसमें, बिल्कुल हमने अलग किया है। लास्ट जो जागो थी वो मलकीत सिंह की बहुत सुपर डुपर हिट है अभी तक, और इसको हमने टोटली एक नया अंदाज दे दिया है म्यूजिक से और न्यू स्टाइल से, रैप है, बहुत कुछ हमने इसमें डालने की कोशिश की है। मनप्रीत गोरा इस पर बहुत काम कर रहे हैं, आप लोग देखेंगे तो उम्मीद है कि आप सबको वो बहुत पसंद आएगी। और एक सॉन्ग और है जो मेरा भाई जसविंदर पारस मेरे लिए बना रहा है, वो भी एकदम हटके है, सो बहुत जल्द आप डिफरेंट किस्म के गाने मेरे मुंह से सुनने वाले हैं। उनके नए प्रोजेक्ट्स में 6 तरीके के अलग अलग वैरायटीज में आपको गाने सुनने को मिलेंगे, कोई भी गाना एक दूसरे से मिलता हुआ आपको नहीं मिलेगा, हर एक के गाने के अंदर आपको एक नया अंदाज मिलेगा। तो पिंकी जी, आपका एम शुरू से सिंगिंग था, बट आपने कभी सोचा था आप इतनी बड़ी सुपरस्टार बन जाएंगी? ड्रीम तो मुझे काफ़ी समय से था कि मैं सिंगर बनूं और सिंगिंग में अपना कदम जमाऊं, लेकिन वक्त वक्त की बात होती है, जब समय आता है तभी आता है। और मैं कहना चाहूँगी अपने दर्शकों से कि अपनी उम्मीद, अपनी इच्छा को कभी कमज़ोर ना पड़ने दें, अपनी मेहनत, अपनी लगन से एक ना एक दिन आपके ख्वाब पूरे हो ही जाते हैं। पिंकी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो इंडियन डायरी के दर्शकों को आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने ड्रीम को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ड्रीम है तो वो पूरा भी होगा। तो बहुत अच्छा मैसेज दिया पिंकी पारस जी ने, अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, लगे रहिए, डटे रहिए। तो मिलते हैं आपको फिर से अगली बार सेलिब्रिटी के साथ, नहीं इंडियन डायरी में। रब रखा।